जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेके भारत के पूर्व सेना प्रमुख यानी कि RKS भदौरिया जी की तरफ से ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिससे पाकिस्तान सहित चाइना के भी होश उड़ गए। आपको बताना चाहूंगा, मौजूदा समय में चाइना के पास 6 की संख्या में स्क्वाड्रन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मौजूद है। आपको बताना चाहूंगा, इन स्क्वाड्रनों को चाइना ने रशिया से 2010 में खरीदा था। चाइना के पास जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये चाइना को 4D M6E मिसाइल नहीं दी गई थी। दोस्तों ये वही मिसाइल है जो कि 400 किलोमीटर दूर जाकर अपने टारगेट को ध्वस्त कर देती है। रशिया की तरफ से चाइना को ये मिसाइलें इसलिए नहीं दी गई थी दोस्तों क्योंकि चाइना MTCR का सदस्य देश नहीं है। लेकिन दोस्तों भारतीय सेनाओं के पास जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो सबसे ज्यादा लेटेस्ट वर्जन है। और इसी के साथ सोने पे सुहागा वाली बात तो ये हो जाती है कि पहले खबर निकल कर आ रही थी कि भारत 5 की संख्या में इन स्क्वाड्रन को खरीदेगा, लेकिन दोस्तों अब इनकी संख्या बढ़कर 10 होने वाली है। जिस समय दोस्तों ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील हुई थी भारत और रशिया के बीच में, उस समय ये लग रहा था कि भारत के पास केवल ये सिंपल डील है कि भारत रशिया से 5 की संख्या में इन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदेगा बस। सबको ये लग रहा था कि ये एक वन टाइम डील है। लेकिन दोस्तों हमारे पुराने एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी की तरफ से ये बात स्पष्ट कर दी गई, S-400 सिस्टम को लेके इंडिजीनियस एफर्ट भी चल रहे हैं जिसके तहत हमारी सेना को 5 और S-400 डिफेंस सिस्टम की रेजिमेंट मिलेंगी। और ये जो 5 एक्स्ट्रा स्क्वाड्रन होंगी ये भारत में ही इंडिजीनियस तरीके से बनेंगी। और इस बात की स्पष्टता को पूर्णतः प्रमाणित करने के लिए मैं आपको इनका इंटरव्यू सुना देता हूँ। अब थोड़ा S-400 के बारे में भी आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसकी एक बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं और इसकी 2 बैटरियां मिलकर एक रेजिमेंट बनाती है और एक पूरी बैटरी में 16 मिसाइलें लगी होती है, जिसका सीधा सा मतलब है S-400 की एक रेजिमेंट एक बार में 32 मिसाइलें फायर कर सकती है। और भारत ने तो 5 की संख्या में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदा है, जिसका सीधा सा मतलब ये है दोस्तों भारत एक बार में 160 मिसाइलें फायर कर सकता है इस डिफेंस सिस्टम की बदौलत। बाकी आप सभी मित्रगणों का क्या मानना है, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारत में बनना चाहिए या नहीं, अपने वैल्यूबल विचार जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।